वही तीरथ सरकार में पोर्टफोलियो जारी होने के बाद उत्तराखंड वन विभाग मुख्यालय में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने बैठक ली। इस दौरान वन विभाग के तमाम आला अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। हरक सिंह रावत ने कहा कि सभी अधिकारी और कर्मचारी सकारात्मक सोच के साथ काम करें, सभी योजनाओं को धरातल पर उतारा जाएगा। वन पंचायतों और पर्यावरण की नियमावली पर लगातार काम किए जा रहे हैं, साथ ही फायर सीजन के शुरू होने के चलते अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश भी दे दिए गए हैं। देखिए, वन मंत्री दोबारा वन मंत्री की शपथ लेने के बाद मैंने आज अपने और कल विभाग बंटने के बाद मैंने अपने अधिकारियों से कहा, कर्मचारियों से कहा कि मैं आप सबसे एक बार बातचीत करना चाहता हूं। और सुबह मैंने श्रम विभाग के अधिकारियों के साथ बातचीत की है, अब वन विभाग के अधिकारियों से बातचीत की है और मैंने सभी अधिकारियों से कर्मचारियों से निवेदन किया है कि एक सकारात्मक सोच के साथ उत्तराखंड के लोगों के जो समस्याएं हैं, क्योंकि बिना वन विभाग के उत्तराखंड के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है।